करती हूँ मंच को, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आप ये मान लीजिए काल में महिलाओं का स्वर्णिम काल था जो मैत्री और गांधी थी, या फिर आज है मोदी जी के राज्य में, जहाँ पर महिला अपने लिए खुल के बात कर सकती है और अपना अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आज 5 महिलाएं मंगल पर मंगलयान ले जाती हैं, यहाँ पर आमदार महिला बैठी हुई है, पूरा मंच महिलाओं प्रबुद्ध महिलाओं से आज पूरा सभागार भरा हुआ है। एक कमजोरी जो मुझे लगता है कि आज हमें शेयर करनी चाहिए कि जब आप सुरक्षा की बात आ जाती है तो हम दूसरे का मुंह देखते हैं, तो आज समय आ गया है जब हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आमदार बन सकते हैं, नगर सेविका बन सकते हैं, तो हम अपनी आत्म सुरक्षा स्वयं क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये हम सब माओं की भूमिका है, हम सब माओं की भूमिका है कि हमारी बेटी जब 2 साल की होती है ना तो उसके साथ लड़ा कीजिएगा, उसको फाइट सिखाइए, बेटा जब तू रात में अकेली चलेगी ना, जब तू स्कूल से अकेली लौटेगी तो इतनी सक्षम हो जा, तू डरना मत, लड़ना जरूर। एक बात कहना चाहूंगी, महारानी लक्ष्मीबाई आज से 200 साल पहले हुई थी, उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता था, वो हारी भी थी और अपने प्राण भी गंवा दिए थे, लेकिन आज भी वो हमारी आदर्श है। क्यों आदर्श है? क्योंकि उन्होंने अपने देश की रक्षा करते करते प्राण न्योछावर कर दिए, भले ही देश नहीं जीता उस समय, लेकिन हमारे अंदर एक चिंगारी जगा के गई कि हमारा देश एक दिन जरूर आजाद होगा। तो अगर मैं कहती हूँ आज सुरक्षा करते करते अगर वर्षा के प्राण चले भी जा रहे हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं वो कहेंगी कि जब वर्षा के प्राण